आज का हम लोग का टॉपिक है ग्रेविटेशन. पहला हम लोग का टॉपिक आता है इसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोग मतलब समझ सकते हैं कि जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स पूरे यूनिवर्स में, फॉर एग्जांपल हम लोग दो प्लैनेट्स ले लेते हैं, ये प्लैनेट ए है, ये प्लैनेट बी है, ये दोनों एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट कर रहे होंगे. जो वो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मासेस, यानी अगर हम इसका मास m1 लेते हैं तो इसका मास m2 हो जाएगा इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट पर. तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2, ठीक है. फिर दूसरी चीज आती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो स्क्वायर इनके बीच की डिस्टेंस होगी. इसे हम लोग r लिख सकते हैं, f इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली के लिए 1/1 करके हम लोग लिखते हैं r स्क्वायर. तो हम लोग इसे फर्स्ट और सेकंड डाल देते हैं. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या पता चला, फर्स्ट और सेकंड से हमें ये पता चला कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जो f है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जिसके m1 m2 अपॉन r स्क्वायर ये आ जाता है. अब हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं और इक्वल टू का साइन, एफ इक्वल टू जी. यहाँ पे जी कांस्टेंट आएगा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है. तो हम लोग यहाँ पे ये जी लाएंगे, जी इंटू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर. ये हो गया हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन खत्म. हम लोग आते हैं यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जो हम लोग का जी आया था. इसकी अब हम वैल्यू, यूनिट क्या होती है, तो इसकी हम लोग यूनिट कहाँ से निकालेंगे, फोर्स से. एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है. जब जी को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा जी इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर बाय एम वन एम टू. एफ की वैल्यू हमारी एफ की यूनिट यानी फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन. आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में लेंगे हम लोग, मीटर में, मीटर स्क्वायर. एम वन एम टू यानी मासेस, मासेस की यूनिट के जी, किलोग्राम. ये हो जाएगा के जी स्क्वायर, तो इसकी आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर. इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर. ये हो जाती है यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यानी ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो हम लोग ले रहे हैं उसकी यूनिट आ जाती है. अब हम लोग आते हैं कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. जब हम लोग का कैपलर्स लॉ आता है, कैपलर्स के तीन लॉज हैं. पहला लॉ, ये इलिप्टिकल पाथ, एवरी प्लैनेट मूव्स इन इलिप्टिकल पाथ विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकी. यानी अगर कोई प्लैनेट है तो सन को किसी भी अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट, मतलब ओवल, खिंचा हुआ सर्कल, तो इसके दो फोकस बनते हैं. तो हम लोग इसे फोकस का प्लूरल फोकी होता है. तो फोकी ए और फोकी बी, इन दोनों में से किसी एक फोकी पे होगा सन और जो प्लैनेट होगा वो इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करेगा. ये हम लोग का पहला कैपलर्स का लॉ कहता है. सेकेंड लॉ, सेकेंड जो लॉ आता है वो ये कहता है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जैसे कि ये सन है, ये कोई प्लैनेट है, तो ये जो लाइन इन्हें ज्वाइन कर रही है, फॉर एग्जांपल वन आवर में यहाँ से यहाँ पर आ गया प्लैनेट, और दूसरी चीज़ रिवॉल्व करके यही प्लैनेट यहाँ पर आ गया, और फिर वन आवर में भी यहाँ से यहाँ आ गया, तो जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये होगा. ये कैपलर्स का सेकेंड लॉ कहता है. कैपलर्स सेकेंड लॉ क्या कहता है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अब आते हैं कैपलर्स के थर्ड लॉ पर. कैपलर्स का जो थर्ड लॉ आता है उसके हिसाब से थर्ड लॉ है, ये जो इलेप्टिकल पाथ है चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. जो लाइन्स इन्हें डिवाइड कर रही है, ये माइनर एक्सिस है, माइनर, ये मेज है, ये मेज है, और जब इन्हें और डिवाइड कर रहे हैं ये दोनों, तो ये हो जाती है सेमी माइनर और ये हो जाती है सेमी मेजर. सेमी मेजर तो क्या कहता है कि जो प्लैनेट रिवॉल्व करने का जो टाइम लेता है, यानी टी जो टाइम ले रहा है, उसका स्क्वायर करेंगे जब हम लोग, उसका स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, यानी इसके क्यूब के बराबर होगा. यानी सेमी मेजर एक्सिस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर लिख ले रहे हैं, आर के क्यूब के बराबर होगा. तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब. ठीक है, ये आ जाता है हम लोग का फॉर्मूला. अब हम लोग आते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम लोग का अगला टॉपिक आता है. जब भी हम लोग कोई सा भी ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं ऊपर, या फिर कोई भी चीज़ ड्रॉप करते हैं ऊपर से, तो एक यूनिफॉर्मली नीचे गिरने लगता है, तो उस पर एक एक्सेलरेशन लग रहा होता है.
उसे हम लोग कहते हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लगता है हम लोग का अर्थ पे। तो इसकी इसे हम लोग जी से डिनोट करते हैं जी। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमें किसी और प्लैनेट की जी की वैल्यू निकालनी है किसी और प्लैनेट की, तो हम क्या करेंगे, जी का फॉर्मूला होता है जी ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट एम उस प्लैनेट का मास अपॉन आर स्क्वायर, यानी उस प्लैनेट की जो रेडियस होगी उसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। ये हम लोग का अगला टॉपिक है मोशन। पहले हम लोग इधर मोशन लिख लेते हैं, इधर ग्रेविटी लिख लेते हैं। मोशन वी पहला क्या होता है इक्वेशन, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये हम लोग तीनों होती हैं मोशंस की। अब हम लोग ग्रेविटी में करते हैं तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, क्योंकि यहाँ पे ए एक्सलरेशन हम लोग लगा नहीं रहे मोशंस में, यहाँ पे एक्सलरेशन ग्रेविटेशन एक्सलरेशन लगेगा तो ये g आ जाएगा। फिर s सेकेंड वाली s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। एस यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले देते हैं, यहाँ पर भी एच होगा, यहाँ पे एस नहीं होगा एच। यहाँ पे जब हम लोग ये जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन यहाँ पर हाइट है, क्योंकि जब हम लोग हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं तभी इस पर एक्सेलरेशन लग रहा है। अब इसी को अगर हम कोई भी सभी ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो करते हैं कोई सा भी, यानी जैसे कि जमीन से ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो हो जाएगा वी इक्वल टू यू माइनस जी टी एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये हम लोग क्या आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। इसके बाद आता है हम लोगों का अगला टॉपिक आता है मास और वेट। मास पहला हम लोग आता है मास, द क्वांटिटी ऑफ मैटर स्टोर्ड इन इट एनी सब्सटेंस, यानी कोई सा भी सब्सटेंस है, जैसे कोई सी भी चीज़ है उसमें कितनी क्वांटिटी है मैटर की जो स्टोर कर सकते हैं हम लोग, उसमें जितनी उसमें स्टोर है वो होती है मास। मास की यूनिट होती है मास की यूनिट केजी, केजी मास की यूनिट होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके बाद आता है वेट। वेट क्या होता है, वेट हम लोग समझ सकते हैं वेट तब होता है जब मास मास पर ग्रेविटी लगे, यानी मास इंटू ग्रेविटी डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू जी, यानी कोई सा भी ऑब्जेक्ट जब उससे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस पर लगेगा तभी बन जाता है हम लोग का वेट। वेट एक फोर्स है, वेट एक फोर्स है तो उसकी यूनिट होगी डब्ल्यू की यूनिट होगी एन न्यूटन, वेट वेट की यूनिट न्यूटन। ठीक है, तो फिर अब अगला टॉपिक आता है थ्रस्ट और प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है, पहले हम लोग थ्रस्ट को समझते हैं। कोई सा भी जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई सी भी वुडन ब्लॉक है, ये इस पर अगर ये वुडन ब्लॉक है इस पर अगर हम लोग कोई सा भी प्रेशर लगा रहे हैं किसी बड़े ऑब्जेक्ट से, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक हैमर लेते हैं, हैमर से इतने बड़े बड़े एरिया पे प्रेशर लगा रहे हैं, यानी हम लोग इसे दबा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कोई भी रिजल्टेंट नहीं मिलेगा, तो हम लोग का थ्रस्ट है क्योंकि हम लोग काफ़ी बड़े एरिया पे कर रहे हैं, यानी सिंपली कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग का आता है प्रेशर। थ्रस्ट काफ़ी बड़े एरिया पे हम लोग समझ सकते हैं और प्रेशर काफ़ी छोटे एरिया पे। प्रेशर अगर हमें लेना है तो हम छोटे एरिया पे लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक नेल ले लेते हैं, यानी नेल यानी कील, जैसे कील है। अब कील को हम लोग स्टैप करेंगे, यानी जब इसे ठोकेंगे पर ये अंदर जाने लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका जो यहाँ पे जो इसका कनेक्शन बन रहा है वो काफ़ी छोटे एरिया पे बनना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो F यानी P जो हमारा है प्रेशर इक्वल टू F अपॉन A फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम थ्रस्ट का भी ले लेते हैं। अगर थ्रस्ट का हमें लेना है, थ्रस्ट इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, ये थ्रस्ट का होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। अब आता है प्रेशर इन फ्लूइड्स, फॉर एग्जांपल ये एक टब है, टब में हम लोग कोई भी चीज़ डालते हैं, कितना इसमें पानी भरा हुआ है, अब हम लोग इसमें कोई सी भी चीज़ डालते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक बलून डालते हैं, बलून जैसे ही हमने इसमें डाला तो हमें क्या पता चलता है कि ये अपने आप ही ऊपर आ रहा है, ये हम लोग इसे अच्छी तरह से नीचे नहीं दबा पा रहे, क्यों, क्योंकि ये लिक्विड होता है वो एक प्रेशर लगाता है चारों साइड से लगाता है, यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी, यानी वो हर तरफ से एक प्रेशर लगाता है कि ये हमारे ये जो पानी से डिस्प्लेस ना कर पाए, तो ये कहता है प्रेशर इन फ्लूइड्स।
अब आते हैं बॉयंसी. बॉयंसी क्या है? बलून वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, इसे इसमें डाल रखा है. तो इस पे जो अप थ्रस्ट यानी जो नीचे से फोर्स लग रहा है इसे ऊपर करने के लिए, जिसे ऊपर करने के लिए फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग बॉयंसी कहते हैं. यानी जो नीचे से फोर्स लगेगा ये आ जाता है इसका बॉयंसी. अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे आते हैं. आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लिए सबसे अच्छा है, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इक्वल टू द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट, इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट. फॉर एग्जांपल जैसे कि अब ये है, इसमें इसमें इतना इतना भरा हुआ है, हमने इसमें कुछ भी डाला. फॉर एग्जांपल एक कॉर्क डाला, कॉर्क का जब हम लोग पूरा डाला तो जो इस पर फोर्स लग रहा होगा, जो यहाँ पे ये फोर्स लग रहा होगा, यानी जितना फोर्स लगा रहा होगा, यानी प्रेशर ऑफ यानी फोर्स जितना भी ये लगा रहा है लिक्विड, उतना ही फोर्स लगाएगा जितना वाटर इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस यानी हटाया होगा, उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा. अगर इसने 10 ग्राम्स किया होगा, 10 न्यूटन्स इसने हटाया होगा, तो उतना ही फोर्स ये लगा रहा होगा. यही है, यानी जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया होगा उतना ही फोर्स यहाँ से लग रहा होगा. आर्किमिडीज प्रिंसिपल खत्म. अब डेंसिटी पर आते हैं. डेंसिटी क्या होती है? मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम. अब जैसे कि मास डेंसिटी, इसका फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो जाती है डेंसिटी. अब डेंसिटी के बाद हम लोग अगला टॉपिक आता है रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी का क्या मतलब होता है? रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी में मास डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट डेंसिटी ऑफ वाटर. यानी जैसे कि हम लोग यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट के निकालेंगे, रिलेटिव डेंसिटी हम लोग आर डी से इसे डिनोट कर रहे हैं. यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर लेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर. और वाटर की डेंसिटी सबको ही पता होती है कि वाटर हम लोग डेंसिटी ऑफ वाटर डी ऑफ वाटर जो हम लोग की होती है वो होती है वन. तो बस आज का आज के वीडियोस पे बस इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और पिछली वीडियोस भी आप हम लोगों की देख सकते हैं जो फिजिक्स की हम लोग अभी सीरीज कर रहे हैं कम्प्लीट. तो थैंक यू.